हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज मैं दिखाऊंगी आपको छोटे बच्चों के हम जैसे स्वेटर जो गले से हम बुनाई डाल के बनाते हैं, वो किस तरीके से हम बनाते हैं और कितने हमें इसमें फंदे रखने चाहिए, किस तरीके से हमें उसका मेजरमेंट करना है, ये सब बताऊंगी आपको आज मैं अपनी इस वीडियो में। बने रहे आप मेरे वीडियो में एंड तक। देखिए, मैंने ये कहीं कलर लगा के बनाई हुई है, तो आप दो कलर में भी बना सकते हैं, एक कलर में भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, आप कितने भी कलर से इसको बना सकते हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए हमें यहाँ से फंदे डालने हैं, गले से नेक के ऊपर से हम इसकी बुनाई करेंगे। यहाँ से हमने इसमें 80 फंदे डाले हैं। देखिए फ्रेंड, 80 फंदे डालने के बाद फिर हमें इसकी उल्टा उल्टा दोनों साइड से बुनते हुए 5 रो हमें कर लेनी है। 1 2 3 4 5 लाइन हमने उल्टा उल्टा करके इसकी बना ली है। 5 लाइन बनाने के बाद फिर हमने इसमें दोनों साइड पट्टी बनानी है, इधर भी और इधर भी। ये हमारी काज और बटन पट्टी है, जिस पे हमारी एक पट्टी पर काज हो जाएंगे, एक पर बटन लग जाएंगे। दो पट्टी हमें रखनी है। इसमें मैंने 5-5 फंदे रखे हुए हैं पट्टी के, पट्टी के मिलाकर 5-15 फंदे हमारे अगले पेज के हो गए। फिर हमें यहाँ पर एक फंदा ले लेना है और उसके दोनों साइड जाली बना लेनी है। इस तरीके से इधर भी जाली आ जाएगी और इधर भी जाली आ जाएगी। 10 फंदे हम बाजू के नाम के रखेंगे, 15 अगले पेज के इस साइड वाले के, 15 इस साइड, 10 इस बाजू के, 10 इस बाजू के, और बाकी जो हमारे फंदे बचे हैं उन्हें हम पिछले पेज में रख लेंगे। और ये 4 फंदे हमारे जाली के लिए आ जाएंगे। 1 2 3 4, ये 4 जाली बनानी है हमें। चार जालियों में हमारे फंदे बढ़ते हुए चले जाएंगे और ये जाली हमें 22 से 23 जाली बना लेनी है। ये मैंने इसमें 23 जाली बनाई है, 2 साल के बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ, तो 2 साल के बच्चे के लिए मैंने इसमें 23 जाली बनाई है। आप अपनी ऊन के हिसाब से बना सकते हैं, अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप 22 जाली भी डाल सकते हैं, और अगर आपकी ऊन पतली है तो आप 3 से 4 साल के बच्चे के लिए बना रहे हो तो आप उसमें 24 जाली भी डाल सकते हैं। देखिए, इस तरीके से जाली बनाते हुए फिर हमें, जब हमारी ये 22 या 24 जितनी भी जाली हमें रखनी है, जब हमारी वो पूरी हो जाएंगी, तो उसके पूरे होने के बाद फिर हम इसको, फिर हमें इसकी बाजू के फंदे अलग कर देने हैं। इनको हम किसी में धागे से या किसी सिलाई में सिक्योर कर लेंगे। इनको ये मैंने धागे में बांध दिए हैं, इधर से भी और इधर से भी। तो मैं पहले इसके पेज की बुनाई करूँगी। आप अगले और पिछले पेज अलग अलग भी बुन सकते हैं और आप एक साथ भी इनको बुन सकते हैं। तो मैं इन दो पेज को पूरे को एक साथ बुनूँगी, क्योंकि फिर ये हमें यहाँ बीच में सिलाई नहीं लगाई जाएगी। तो छोटे पेज हैं तो अच्छे लगेंगे अगर हम एक साथ बनाएँगे, वो आपकी अपनी मर्जी है। आप अलग भी बना सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं। फिर हम बच्चे के हिसाब से जितनी भी हमें लंबाई रखनी है वो फिर उस हिसाब से हम लंबाई रख लेंगे। बाजू की लंबाई भी हम बच्चे के हिसाब से रख लेंगे, जितने भी हमें रखनी है। तो आपको कैसा लगा मेरा तरीका और मेरा डिज़ाइन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।